नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज तक के पत्रकार श्याम मीरा सिंह, को आज तक से हटाया गया। ये खबर हमने आपको अभी हाल ही के अंदर दिखाई थी। किस लिए हटाया गया? क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को बेशर्म प्रधानमंत्री कह दिया था, और इसीलिए उनको हटा दिया गया। लेकिन अब श्याम मीरा सिंह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनको हटाया गया है, इस मामले को वो कोर्ट के अंदर लेकर के जाएंगे। आज तक चैनल ने जिस वजह से उनको हटाया है, उस वजह को खत्म करने के लिए वो इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर के जाएंगे। एक के बाद एक उन्होंने दो तीन ट्वीट किए हैं। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, अंग्रेजी में ये ट्वीट है इनके। इनका पूरा हिंदी अनुवाद और खबर क्या है और उस ट्वीट में इन्होंने क्या कुछ लिखा है, ये आपको बताते हैं। ये खबर आप देखिए। आज तक के पूर्व पत्रकार ने चैनल को कोर्ट में ले जाने का लिया फैसला। तो आज तक के पूर्व पत्रकार रहे हैं और किस तरह से इनको आधी रात को हटाया गया, ये हमने आपको दिखाया था। अब इन्होंने कहा है कि मैं इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर के जाऊंगा। श्याम मीरा ने तीन ट्वीट किए हैं और तीन ट्वीट में इन्होंने कहा है कि इंडिया टुडे समूह के कई पत्रकारों और अन्य लोगों से संदेश मिलने के बाद मैंने अपना मामला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में ले जाने का फैसला किया है। मैं आज तक के साथ में दोबारा काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं आचार संहिता मुक्त मीडिया घरानों और विश्वविद्यालयों के लिए लड़ूंगा और इसके लिए मुझे वकीलों की आवश्यकता होगी। ये उन्होंने कहा है कि जिस तरह की आचार संहिता बना दी गई है मीडिया के अंदर कि आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मोदी के खिलाफ ये नहीं लिख सकते, सरकार के खिलाफ ये नहीं लिख सकते, सरकार के मंत्रियों के खिलाफ नहीं लिख सकते, इस तरह का एक कंडीशन का माहौल है। ये कंडीशन बाकायदा जो है वो जारी की जाती हैं चैनल के अंदर, और अब उन्हीं कंडीशनों को खत्म करवाने के लिए, उस आचार संहिता से सबको मुक्ति दिलवाने के लिए श्याम मीरा सिंह ने कहा है कि वो इस पूरे मामले को सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में लेकर के जाएंगे। इन्होंने कहा कि कई पत्रकारों ने मुझसे मिलकर के कहा कि वो मीडिया घरानों में काम करते हैं इसलिए वो बोल नहीं सकते, लेकिन अगर मैंने व्यवस्था के खिलाफ बात की है तो मुझे अब उनके लिए लड़ना चाहिए ताकि वे भी इस शासन से के खिलाफ खड़े हो सकें। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया संस्थान के अंदर काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरियां हैं, हम इसके अंदर काम करते हैं, लेकिन अब ये जो लड़ाई मैंने खड़ी की है, इस लड़ाई को पूरा करना होगा ताकि उन लोगों को भी जो है वो इकट्ठा किया जा सके इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। ये श्याम मीरा ने कहा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मुझे वहां नौकरी नहीं चाहिए, आज तक में नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे आचार संहिता मुक्त मीडिया हाउस और विश्वविद्यालय चाहिए ताकि हमारे लोग इस लोकतंत्र और लोगों के स्वतंत्रता के लिए बोल सके, लिख सके। उन्होंने कहा कि मुझे उस चैनल में दोबारा नहीं जाना, ना ही मुझे कोई मुआवजा चाहिए, लेकिन जिस तरह से माहौल पैदा कर दिया गया है उस माहौल को खत्म करना है ताकि हम लोग स्वतंत्र रूप से लिख सके, बोल सके, ऐसा एक माहौल जो है वो तैयार करवाना है। श्याम मीरा सिंह अब ये कार्रवाई न्यायालय में ले जाना चाहते हैं ताकि उनके साथ जो कुछ हुआ है वो किसी और के साथ में ना हो। उन्होंने लोकतंत्र की जो बात बोली है वो आज इस देश में खत्म होती जा रही है। दो दिन पहले ही देश के एक बड़े न्यूज पब्लिकेशन दैनिक भास्कर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के रीजनल चैनल भारत समाचार पर छापा पड़ा। प्रेस क्लब ने भी इसकी कड़ी निंदा की, तो प्रेस क्लब भी जो है वो कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, एडिटर गिल्ड कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि एक माहौल इस तरह का पैदा कर दिया गया है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, सरकार के मंत्रियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, इस तरह का माहौल जो है वो तमाम चैनलों के अंदर खड़ा कर दिया गया है। और उस माहौल को खत्म करने के लिए अब श्याम मीरा सिंह की एक अच्छी पहल है, वाकई उनको जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह का ये मेरे साथ जो व्यवहार किया गया है, ऐसा व्यवहार किसी और के साथ में ना हो, और लोग जो वहां पर एक बंधुआ मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं उनको भी आजादी मिल सके, वो भी खुल करके बोल सके, लिख सके, इसलिए उनको आजादी दिलाने के लिए अब मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लेकर के जाऊंगा। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिए, मीडिया तो पहले भी थी, सरकार भी पहले थी, मीडिया आगे भी रहेगी, सरकार भी आगे रहेगी, लेकिन ये इस तरह का दौर क्यों आ गया, इस तरह का दौर क्यों आ गया, और आखिरकार ये मीडिया के लोग इस तरह के ऐसे कैसे हो गए? ये तमाम जो गोदी मीडिया के बड़े बड़े चेहरे आप देखते हैं, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, तमीश देवगन, रजत शर्मा, ये तमाम जो लोग देखते हैं, ये लोग ऐसे कैसे हो गए? इस बात को एक देसी अंदाज में आपको समझाते हैं कि ये लोग ऐसे कैसे हो गए।
दरअसल ये दो हाथ हैं, एक है मीडिया, एक है सरकार। इस हाथ को पता है कि ये हाथ मेरे को धोने के लिए आगे आ जाएगा, चाहे मैं कितना भी गंदा काम कर लूं, लेकिन ये मेरा जो दूसरा हाथ है ये इसे साफ करने के लिए, धोने के लिए आगे आ ही आ जाएगा। और यही मीडिया को भी पता है, सरकार भी को भी पता है कि आप मीडिया बचाने के लिए आ जाएगी। मीडिया के वो जो भोपू मीडिया है, गोदी मीडिया है, उनके एंकरों को पता है कि सरकार बचाने के लिए आ जाएगी। इसलिए दोनों के दोनों हाथ अपने आप को खूब गंदा करते हैं, खूब दोनों के दोनों गंदा करते हैं। सरकार अपना ये हाथ जो है वो खूब गंदा करती है, उसको मालूम है कि ये आकर के बचा लेंगे। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वाले, इन पर छापा नहीं पड़ता है, इन पर रेड नहीं होती है, इन पर कुछ नहीं होता है। और कभी जब सफाई, कभी जो है इनकी सफाई होगी, तब पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या लिया है, क्या क्या बनाया है, किस तरह से अर्णब गोस्वामी जो पहले एक चैनल में काम करता था, और अब वो चैनल में काम करने वाला अर्णब गोस्वामी अब दो चैनलों का मालिक बन गया, 1000 करोड़ रुपए के करीब जो है उसकी संपत्ति है, कैसे सब कुछ हो गया। तो ये कभी पता चलेगा, तब पता चलेगा। लेकिन इन दोनों को पता है, सरकार को ये पता है कि मीडिया बचा लेगी, और मीडिया को ये पता है सरकार बचा लेगी। अब मीडिया के अंदर जो लोग हैं, जो ये बड़े बड़े नामचीन चेहरे जिनको आप देखते हैं, उनको ये मालूम है कि सरकार, उनके मन के अंदर ये बात बैठ गई है कि मोदी सरकार कभी नहीं जाएगी। जब तक मोदी जिंदा है तब तक मोदी प्रधानमंत्री, फिर अमित शाह प्रधानमंत्री, फिर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है। इसीलिए खूब जितना गंदा करना है, जो काला काम करना है, जो दलाली करनी है, वो सब कुछ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरा हाथ आएगा और वो धो देगा। इसको पता है कि जितना मर्जी यहां पर फोन टैप करो सरकार, जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो, जितना मर्जी महंगाई करो, जितना मर्जी बेरोजगारी करो, ये इसको पता है कि मीडिया आएगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। यह है देसी अंदाज में 100% की बात। इसीलिए जो है इस देश का भला नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जब तक इन दोनों को एक दूसरे का खतरा नहीं होगा, मीडिया को सरकार का खतरा और सरकार को मीडिया का खतरा नहीं होगा, तब तक जो है ये ऐसे ही दलाली करते रहेंगे। मीडिया पर भी अंकुश लगना चाहिए, अगर कोई गलत करता है तो उस पर भी अंकुश लगना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप किसी की गोदी में बैठ करके अपना पूरा महल खड़ा कर दें, अपना पूरा सब कुछ खड़ा कर दें, और फिर आप पर जांच ना हो, तब तो सवाल खड़े होंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल चैनलों के अंदर है वो इसीलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि ये सरकार सालों साल तक रहेगी, इसलिए मलाई काटते रहो, सरकार का गुणगान करते रहो। उसी मलाई के खिलाफ, उसी माहौल को ध्वस्त करने के लिए, तोड़ने के लिए श्याम मीरा ने कहा कि अब वो कोर्ट में जाएंगे, एक अच्छी पहल है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई श्याम मीरा जो कर रहे हैं वो सही है, या आपको लग रहा है कि नहीं गलत है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।